अभी अभी एक और बहुत बड़े ड्रामा सेल की खबर सुनने को मिली है जिसका नेम है दीवाना, जिसके स्टार कास्ट में यमुना जैदी, फिरोज खान और ऐजा खान जैसे बड़े अदाकार देखने को मिलेंगे। इस ड्रामे की असल हकीकत क्या है, क्या ये वाकई में ड्रामा सेल आ रहा है? अगर आ रहा है तो सपोर्टिंग कास्ट में कौन कौन से अदाकार हैं? इस ड्रामे की शूटिंग कब से स्टार्ट होगी और इस ड्रामे को हम कब तक देख पाएंगे? अगर ये ड्रामा सेल नहीं आ रहा तो इन तीनों के आने वाले प्रोजेक्ट कौन से हैं, ये भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। जैसे कि आपको पता है पाकिस्तानी ड्रामा को इतनी पसंदीदा तो ज़रूर हासिल है कि पाकिस्तानी ड्रामास पाकिस्तानी बल्कि दुनिया भर में देखे और पसंद किए जा रहे हैं। यही वजह है कि हर आने वाले दौर में न्यू से न्यू ड्रामा सेल आए जाते हैं ताकि नाज़रीन को मज़ीद इंटरटेन किया जा सके। तो आज भी दीवाना ड्रामा सेल की खबर सुनने को मिली जिसमें आपको यमुना जैदी, फिरोज खान और ऐजा खान जैसे अदाकार देखने को मिले। तो मैं आपको कन्फर्म तक करता चलूँ तो दीवाना के टाइटल से कई पहले ड्रामा सेल आ चुके हैं लेकिन न्यू ड्रामा सेल किसी भी चैनल के लिए दीवाना अनाउंस नहीं हुआ। तो इससे कंफर्म हुआ कि फ्यूचर में जरूर हो सकता है लेकिन अभी दीवाना टाइटल का कोई ड्रामा सीरियल यानी फिरोज खान, ऐजा खान या यमुना जैदी का नहीं आ रहा। अब बात कर लेते हैं इन तीनों के आने वाले प्रोजेक्ट की। तो यमुना जैदी का परिजात का सीजन 2, ये तेरे बिन का सीजन 2, उसके साथ अंधेर नगरी उसामा खान के साथ देखने को मिलेगा। और इसके साथ बात करें फिरोज खान की तो आने वाले प्रोजेक्ट में उनका हमराज ऐजा खान के साथ शामिल है जो कि शूटिंग जारी है। अगले 2 से 3 मंथ के अंदर यह ड्रामा सीरियल देखने को मिल जाएगा और ऐजा खान का भी सिर्फ एक ही हमराज फिरोज खान के साथ आ रहा है। तो इन तीनों के आने वाले प्रोजेक्ट तो काफ़ी सारे हैं लेकिन फ्यूचर में ज़रूर हो सकता है कि ये तीनों अदाकार हमें एक साथ देखने को मिल जाएं लेकिन अभी कोई ऑफिशियली तौर पर अनाउंसमेंट नहीं हुई। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। मज़ीद अपडेट के लिए आप हमारा चैनल देखते रहिए।